तो फ्रेंड्स, मार्केट के ऊपर जाने का संकेत सुबह सुबह ही मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था। उसमें बताया था, एकदम से अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ आई। ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई कि MSCI ने हमारे जो वेटेज है, इंडिया की वेटेज है, वो 18.2 कर दी। पहले ये आप ये लगा लीजिए 2020 में लगभग 9.1 थी, उससे बिल्कुल दुगनी हो गई है। तो 18.2 इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, ये आगे चलकर मैं बताता हूँ। तो ये सीधा सीधा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ थी, बहुत अच्छी न्यूज़ थी हमारे लिए। तो वहाँ से मार्केट ने एकदम से अपना रास्ता ही चेंज कर, जो मार्केट पहले नीचे गिरने को तैयार थी, अब सुबह जब मार्केट खुली तो उसका मूड ही चेंज हो गया। और एक बार तो बाइंग आई, तो ये होता है कि चलो हो सकता है एक्सपायरी है, उस वजह से बाइंग आई होगी, शॉर्ट कवरिंग होगी। पर जब डिप आके फिर दोबारा बाइंग आई, तो वो एक बहुत बड़ा प्रूफ था कि अब मार्केट बाई ऑन डिप है। तो मार्केट फिर से बुलिश जोन में चली गई है उस न्यूज़ की वजह से, क्योंकि वो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो यहाँ से मैंने बताया था रेजिस्टेंस, तो सुबह सुबह मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से गिरी मार्केट 21,662 से, और नीचे की ओर 21,558 और 574 तक गिरी। उसके बाद जब ऊपर रिकवर हुई, यहाँ आई, तो यहाँ मैंने बताया था रेजिस्टेंस है। इवन टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि 21,750 से 830 तक रेजिस्टेंस है। तो एग्जैक्टली वहीं से मार्केट गिरी और शानदार गिरावट हमें देखने को मिली। यही नहीं, दोबारा अगर जब ऊपर आई, फिर वहीं से ही फिर नीचे आई। तो इस तरह से हमें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेलिंग से प्रॉफिट हुआ। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बैंक निफ्टी में आपको बताया था कि 45,150 के ऊपर एक बार आ गई तो ब्रेकआउट पॉसिबल है, तो वो हुआ। दोबारा फिर नीचे आई, फिर ब्रेकआउट आया, फिर ऊपर गई और फिर उससे भी बड़ी छलांग लगाई, और ऊपर के जो लेवल थे 45,778 वो जाकर हिट हुआ। तो इस तरह से पहले तो 10 MA पे, फिर 20 WEMA पे, वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसके बाद 45,778 जो हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस था, एग्जैक्टली वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई। तो एक अच्छी खासा ब्रेकआउट हमें कैश करने को मिला। तो आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसे जो क्लिक कीजिए, क्योंकि वहीं पर हम सुबह सुबह काफ़ी पिक्चर क्लियर कर देते हैं। आज भी जो ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी वो हमने वहीं पे दी थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। हमने बड़ी जल्दी में फटाफट दी आपको, जैसे ही हमें पता चला कि हमें ये था कि आपके दिमाग में भी अब आ जाए कि अब मार्केट में क्या करना है। तो अब देखिए उसी तरह फिन निफ्टी में नीचे से यहाँ पे का बताया हुआ था, यहाँ सपोर्ट है, एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट ली। फिर 20,012 के ऊपर बताया था ब्रेकआउट, और एक शानदार ब्रेकआउट आया। फिर उसके बाद एक डिप आया, उस डिप के बाद फिर से वो ब्रेकआउट थमा नहीं, और ऊपर जाकर 10 MA 20,260, ये मैंने कल बताया भी था कि 10 MA सभी इंडेक्स में एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो सारे इंडेक्स 10 MA पे जाकर ही वहाँ पे रुके हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मिड कैप निफ्टी में अगर हम देखें, तो यहाँ मैंने एग्जैक्टली बताया था 10,540 यहाँ पे सपोर्ट है, वहीं से सपोर्ट ली और एक हल्का सा डिप आया, फिर वहीं पे आई और 10,680 के आसपास क्लोजिंग आई। हालांकि ऊपर टारगेट 10,707 17 और 760 के ऊपर के थे लेवल, पर ये पहले ही थोड़ा सा 680 के पास जाकर रुक गई। तो सभी इंडेक्स में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा अगर आपने हमारे बताए हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को फॉलो किया होगा। तो अगर अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि कल की क्या पोजीशन है, कल क्या करना है। देखिए जहां तक सवाल है इसका, तो ये आज हिलेंगे। ये क्यों हिलेंगे, ये देखो 104 के नीचे आना शुरू हो गया, ये भी आएगा 4 से नीचे आ जाएगा, और 82 कब आएगा, देखो USCPI डाटा वो आना है अभी रात को। ठीक, अभी फिलहाल जो उसके एस्टिमेट है CPI के, वो है 2.9, ये एस्टिमेट बता रहा हूँ, पिछली बार था 3.4। फिर उसके बाद ईयर और ईयर, ये तो था CPI ईयर और ईयर जनवरी का, फिर
एक आता है कोर सीपीए, जो मैंने कई बार आपको समझाया कि कोर सीपीए का नीचे आना काफी जरूरी होता है। कोर में वो चीजें आती हैं जो लोग बेसिकली उन चीजों का जिसका यूज करते हैं। तो 3.7 आने की उम्मीद है 3.9 के मुकाबले। मतलब अगर ये कोर सीपीए डाटा वाकई कम आ गया तो काफी पॉजिटिव सेंस आएगी मार्केट के अंदर। और अगर इसमें भी 2.9 3 से नीचे आ गया तो एकदम से खुशी की लहर फैलने वाली लगती है, क्योंकि जो आरबीआई का टारगेट है वो है 2। अगर 2 की सीरीज में एक बार सीपीआई डाटा आया तो काफी एक तरह से ये प्रेशर पड़ेगा और बॉन्ड यील्ड गिरती हुई नजर आएगी, 4.1 से नीचे आ जाएगी। और जितना ये 3.5 की ओर जाएगी उतना हमारी मार्केट के लिए पॉजिटिव। अब देखने वाली बात ये है कि ये सीपीए डाटा कैसे आता है, ये एस्टिमेट है, देखते हैं इन एस्टिमेट से कम आता है या इन एस्टिमेट से ज़्यादा आता है। अगर एस्टिमेट से ज़्यादा आ गया तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, और अगर कम आ गया तो फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ेगा। तो ये है पोजीशन कल के लिए। अब सारा दारोमदार किस पर है, सीपीए डाटे पर जो यूएस का आएगा। हालांकि हमारे यहाँ वो एक पॉजिटिव खबर तो आ ही चुकी है। अब आते हैं हम गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी में 815 पे क्लोजिंग दी थी, इस टाइम 831 में, मतलब इस टाइम 16 पॉइंट अप है। उस हिसाब से लगता है कि कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ अपने आप को देखें तो सिर्फ अपने इंडिया को देखें और उसकी न्यूज को देखें, और जिस तरह से डबल एक डिप आया, दोबारा डिप, उस डिप को बाय किया गया, तो वो चीज बताती है कि कल गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। पर क्योंकि शाम को सीपीआई डाटा आना है उससे काफी कुछ चेंज होगा, तो अभी अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। तो अब आते हैं हम ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में अगर हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में आए तो ये देखिए 45,000, जहां से बैंक निफ्टी ने आज सपोर्ट ली तो वहां पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हो चुकी है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उसका भी असर रहेगा, कल वोलेटिलिटी भी बढ़ सकती है। और अगर एक बार 46,000 अगर क्रॉस कर गई बैंक निफ्टी तो पूरी की पूरी मार्केट का मूड ही बदल जाएगा। अभी हम ये कहेंगे कि अभी तो पिछली रेंज में घूम रही है, अगर ये किसी तरह क्रॉस कर जाए, जैसे मैंने बताया था कि इस बार की जो रैली होगी वो बैंक निफ्टी ही लीड करेगी। अगर बैंक निफ्टी लेके गए, ये नहीं है कि अब मिड कैप स्टॉक्स लेकर जाएंगे, मिड कैप स्टॉक्स की तो तसल्ली हो गई, जितने भागने थे भाग लिए, अब तसल्ली होनी चाहिए बैंकिंग स्टॉक। बैंक बिल्कुल नहीं भागे तो नेक्स्ट रैली अगर बैंक निफ्टी की वजह से हुई तो एक बड़ी शानदार रैली बनती है, ये हमेशा देखने में आता है। क्योंकि बैंक जितने भागते ना उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मिड कैप स्टॉक्स है वो तो बेचारे छोटे छोटे हैं, कितना भगाएंगे, निफ्टी को भी कितना भगाएंगे। यही कारण निफ्टी सांसें ले रही है, वहीं पे अटकी हुई है। और अगर बैंक निफ्टी खींच के लेके जाए तो निफ्टी तो एकदम से 22,000, 22,000, 200, 500 फटाफट क्रॉस करती चली जाएगी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि बैंक निफ्टी लीड करती है या नहीं। 46,000 एक बार क्रॉस कर जाए, उसके ऊपर एक ना रेजिस्टेंस है 46,180 से लेकर 46,300, ये एरिया इससे क्रॉस नहीं हो पा रहा है। ये कई बार इसने ट्राई कर लिया पर बार बार यहीं से मार पड़ती है और बैंक निफ्टी नीचे गिर जाती है। ये देखिए बार बार इसी एरिया में आती है, जहां मैंने लिखा हुआ इस एरिया में आती है और गिर जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार उस एरिया से गिर चुकी है। तो अब देखते हैं कि दोबारा वहां टक्कर मारती है तो क्या करती है, नीचे आती है सिर मार के या ऊपर निकलती है, तो अभी देखना होगा। तो अब इसकी पोजीशन क्या है, देखिए नीचे 200 EM है, यहाँ पे बार बार तो सपोर्ट ले ही रही है 44,632 से 44,800, और इसके बीच में ये भी मिक्स कर दो 45,000, ये बड़ा दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है जो एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर रहा है बैंक निफ्टी। और जो अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है बैंक निफ्टी तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे 45,378, 502 और 567। ये एरिया दोबारा वही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वाला 45,706। 45,700 का जो एरिया है यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है बार बार प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह से। यहाँ पे 20 EMA, 100 EMA और 10 EMA, तो अगर ये एरिया किसी तरह क्रॉस हो जाए और 45,850 ये लेवल नोट कर लीजिए,
अगर इसके ऊपर सस्टेन हो तो ब्रेकआउट बनेगा, ब्रेकआउट बन सकता है 45,850 के ऊपर ही। तो ऊपर के लेवल फिर कौन से इंपॉर्टेंट हो गए, 45,932, 45,963, 46,015, 46,060 और 46,180। मतलब 46,000 से ही वो खतरनाक एरिया शुरू हो जाएगा। ये एरिया कौन सा है, 46,000 से 46,300 का एरिया। ये मेरे हिसाब से तो नो ट्रेड जोन है, तो यहाँ पे तो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ से ब्रेकआउट कैश हो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 46,000 के आसपास। और ऊपर अगर दोबारा 46,450 अगर क्रॉस हो तब बात बनेगी, वरना नहीं। तो ये था ऊपर की ओर सारा एरिया, मतलब 46,000 से 46,300 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, सेल ऑन राइज वाला एरिया। तो यहाँ से आपने बड़े इंटेलिजेंटली उसको हैंडल करना है। नीचे की ओर ये एरिया सारा सपोर्ट वाला एरिया। तो ये था बैंक निफ्टी का सारा सिनेरियो, ब्रेकआउट वाला, सपोर्ट वाला और रेजिस्टेंस वाला। अब आते हैं हम निफ्टी पे। अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें तो निफ्टी की ऑप्शन चेन भी नीचे के लेवल्स पे 21,500 क्लियर कट दिख रहा है कि काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। आज तो मार्केट पे उससे पहले सपोर्ट लेगी, बीच रास्ते में 21,530-40 के आसपास ही। और ऊपर की ओर 22,000 तो रेजिस्टेंस है ही, उससे पहले 21,800 बड़ा खतरनाक रेजिस्टेंस है, जो कि मैंने आपको सुबह टेलीग्राम चैनल पे बताया था, कल वीडियो पे भी बताया था। अब निफ्टी में देखिए निफ्टी में क्या रेंज बन रही है। तो 21,513 यहाँ पे अच्छी सपोर्ट है, 21,500 से लेकर 513 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। और नीचे जो पेन क्रिएट करने वाला जोन है वो है 21,370 के नीचे, क्योंकि 10 वेमा आ चुका है 21,384। तो इसलिए पहले ब्रेकडाउन मैंने कल यहाँ बताया था, अब ब्रेकडाउन 21,370 के नीचे पॉसिबल, क्योंकि ये जो वेमा है ना ये कल और ऊपर आ जाएगा, 400 425 पे आ जाएगा, तो वो फिर सपोर्ट का काम कर सकता है, इसलिए मैंने इसे नीचे कर दिया। इस टाइम तो 10 वेमा यहाँ है, अगर मान लो थोड़ा सा गैप अप हो गया तो ये 10 वेमा ऊपर खिसक जाएगा, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म है, जहाँ पे मार्केट चलती है साथ साथ एवरेजेस चेंज होती रहती है। और नीचे की ओर 21,165 और 136 एक लास्ट जोन रह जाएगा यहाँ पे सपोर्ट का। तो खैर इस चीज से तो मार्केट अब बच गई है हमारी, देखने वाली बात तो ये है। अब आते हैं हम ऊपर की ओर जहाँ मार्केट चल रही। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक खतरनाक रेजिस्टेंस है जो कि आपको दिखाई दे ही रहा, 21,750 से लेकर 21,830, ये जो एरिया है सेल ऑन राइज वाला एरिया बना हुआ, लगातार बना हुआ है। आज भी जो हाई लगा है 21,768 का है, और अलग अलग लेवल पे कभी 21,800 से गिरती है, कभी 21,821 से गिरती है, कभी 21,830 से गिरती है मार्केट। तो इस तरह से यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। ब्रेकआउट कहाँ पॉसिबल, ब्रेकआउट पॉसिबल है 21,850 के ऊपर ही। अगर एक बार 21,850 के ऊपर आ जाए तो उसी दिन की तरह जैसे पहले रैली बनी थी फिर से रैली बन सकती है, और 21,900, 912, 982 और 22,3753 ऊपर के इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो ये थे ऊपर का ब्रेकआउट, नीचे भी बता दिया कि कौन कहाँ से सपोर्ट ले सकती है। अगर मार्केट कोई डिप लेती है तो बाय ऑन डिप वाली मनी मार्केट है, निफ्टी पूरी तरह से बाय ऑन डिप बन चुकी है। और ऊपर के लेवल 21,600, 627, 662, 691, 733 और 768 के रहेंगे। तो ये है सारा सिनेरियो निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।